वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका फिर स्वागत है। सो गाइस, आज की जो ब्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग कंटेंट में देख पा रहे हैं, आज जो है मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरी हॉस्पिटल बैग में क्या है और मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या तैयारी करी है। सो आई एम गोना शेयर विथ यू, सो बी विद द ब्लॉग गाइस। जैसे कि मेरी डिलीवरी डेट नज़दीक आ रहे हैं, डिलीवरी डेट कब है ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा अभी तक पेन कंट्रैक्शन अभी तक नहीं आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट अश्योर अबाउट द डेट। बट अभी नेक्स्ट जो डेट है उसमें जाके हम सोनोग्राफी करेंगे, उसके बाद क्या डिसीजन डॉक्टर लेती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो इसलिए आई कैन नॉट टेल यू द डेट। लेकिन हाँ, मेरा 9 महीना कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अभी तो 10th month शुरू हो चुकी है, जस्ट शुरू हो चुकी है। सो देखते हैं, बाकी सब तो भगवान के ऊपर है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले जो है ये देखो सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से मैं अपना हाथ जो है साफ कर लूँगी, आई मीन टू से सैनिटाइज कर लूँगी, क्योंकि जो है ना अभी बच्चे के कपड़े मैं पकड़ने वाली हूँ, सो माई हैंड शुड बी सैनिटाइज राइट। हालांकि मैंने हैंड वॉश कर रखा है, फिर भी मैं सैनिटाइज कर रही हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने बाल पकड़ा है। मैं इस मामले में थोड़ा कॉन्शियस हूँ कि हाथ सैनिटाइज रहे बच्चों के मामले में। सो चलिए, सो जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया था आप लोगों को ये बैग, ये डायपर बैग जो कि हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। सो दिस वन इज़ परफेक्ट टू कैरी इन हॉस्पिटल। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैंने अपने लिए क्या डाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। सो तो चलिए अभी जिप ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं ये सारे चीज़ें। ओके, मैं अभी एक एक करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो दिखाया जाए तो मैं सबसे पहले क्या दिखाऊँ, सबसे पहले दिखाती हूँ ये कुछ ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट है, कॉटन के है, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके का जो कपड़ा है, सॉफ्ट कॉटन के कपड़ा है, जो बथिंग क्लोथ्स के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ये कलर ली है, ये कुछ ऐसे कलर है, और ये एक और एक पैटर्न है, और एक ये पिंक कलर का एक पैटर्न है। तो गैस ये थोड़ा ये ऐसे है, प्लेन नहीं है, क्योंकि मैंने धो रखा है सारी चीज़ें, मैंने हैंड वॉश कर रखा था। सारे जो कपड़े हैं ये मैंने धो के रखा है। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कोशिश करा, जितना मुझे पता है कि थोड़ा सा डिटर्जेंट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल के धोने के बाद, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेटॉल मिला के मैंने धोया है सारे कपड़ों को। तो सो ये रही बाथ टावल के हिसाब से, पोंछने के लिए ये काम आएगा। और मैंने कुछ ये नैपिस लिए हैं, इसको हमने ऑर्डर करा था, अमेजोन से। 3 कलर है इसमें, पिंक, येलो एंड ब्लू स्काई है, पिंक, येलो एंड स्काई, और इसमें 4 दिया गया है। सो नॉट बैड, देखते हैं क्वालिटी के बारे में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो बाकी सारे जो मेरे बेबी क्लोथ्स है ये हम लोगों ने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। हाँ, कुछ कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया है, कुछ कुछ फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है। सो दीज आर द नैपिस, ये तो पहले पहले बहुत चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने ये कैरी करा है। और उसके बाद बेबी क्लोथ्स, ये एक सेट मैंने रखा है, और ये देखो फुल हाथ का एक सेट मैंने ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं करा, ये मैंने दुकान से लिया है, बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है वहाँ पे, सेक्टर 6 मार्केट में एक बेबी शॉप है, जहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन और अच्छे ब्रांड्स का भी मिलता है।
तो वहाँ से मैंने लिया था। ये इतना सॉफ्ट है ये कपड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ये लिया था। और बहुत पतला, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बेबीज़ के लिए बहुत ही डिलिकेट है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। और एक रोम्पर्स लिया है, मेरी एक कज़िन ने दिया है। उस दिन पर्सल दिखाई थी ना, तो उस पर्सल में था ये रोम्पर्स, तो लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहनाएंगे, क्योंकि ये फुल हाथ है और ये थोड़ा सा मोटा भी है कपड़ा। हालांकि अभी इस टाइम पे, इस सीज़न पे बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन बच्चों के लिए शायद लग सकता है, इसलिए हमने ये ले रखा है। ये जो सारे कपड़े हैं ना गाइस, ये मैंने धो के रखा है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। मैं बार बार सैनिटाइज कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल जो है ना, मैं सेटिंग कर रही हूँ कभी कभी इस साइड से उस साइड, तो इसलिए मैं बार बार सैनिटाइज कर रही हूँ। तो ये हो गया। और उसके बाद और एक रोम्पर्स है, ये वो मेरे कज़न ने दिया है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन दिया है। उस दिन मैंने आप लोगों को खोल के नहीं दिखाया था। सो दीज आर दोज रोम्पर्स, दोज गिफ्ट्स जो मेरी कज़िन ने भेजा था, अनामिका ने। छोटे छोटे बेस्ट लिया है मैंने, गेंजी क्या बोलते हैं इसको। सो इसका मैंने 3 कलर ऑर्डर किया है, ये ये और ये। ये सारे कपड़े मैंने धो के रखा है, इसलिए ऐसे सिकुड़ सा गया है। और मैंने कुछ ये लिया है, ये टोपी, इसमें टोपी है, मिटेंस है, ठीक है, और ये सॉक्स। तो गाइस मुझे दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी, सो मैंने यहाँ पे मैंने धो के रखा है। मेरा एक टॉप है, इसके ऊपर मैं आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये जो है आप लोग देख सकते हो, तो बेबी टोपी लिया है मैंने, एक ये पिंक कलर का, और इसमें मिटन्स है और सॉक्स है, ठीक है। तो ये एक मैंने डाल रखा है, और एक कलर डाल रखा है, तो है ये एक ये बेबी रैप करने के लिए, बेबी को रैप करने के लिए एक पतला सा, एक सॉफ्ट सा, एक क्या बोलते हैं, टावल लाइक चीज, एक कपड़ा है जिसे हम बेबी को रैप कर सकते हैं। सो ये भी हम लोगों ने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है, ये कलर। तो इसके साथ हमारा और एक है जो कि ये भी दिया, और एक है जो कि मैंने रखा है अलग से, जो कि मैंने बैग पे नहीं डाला, बैग पे सिर्फ 2 डाला है, ये सिंपल सा है। सो ये भी एक है, और एक हमने ये मार्केट से लिया था, ये बहुत सॉफ्ट लगा मुझे टॉवल, ये बहुत सॉफ्ट लगा इसलिए हमने ये मार्केट से लिया था। ये देखिए गाइस, तो ये भी एक हमने तैयार करा है, ठीक है। सो दीज आर द टॉवल्स, एंड वो अनामिका ने दिया था, कितना प्यारा है ना गाइस, बहुत ही प्यारा है। सो ये देखिए, ये बस ऐसे ही ले रही हूँ, दे रखा है तो। अब ऐसे गर्मी है, लेकिन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, तो इसलिए हम ये भी कैरी करके ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। और तो गाइस, और एक सेट है जो हमने लिया है, क्योंकि कपड़ा तो लग सकती है, पता नहीं कितने दिन रहती हूँ, कितने दिन रखते हैं वहाँ पे, 2 दिन रखते या 3 दिन रखते, कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए ये सब तो कैरी करना पड़ेगा। कुछ मैंने वार्डरोब पे रखा हुआ है, और कुछ मैंने इस डायपर बैग में मैंने पैक करा है। तो ये एक कलेक्शन है जो पिंक कलर का कलेक्शन है, इसमें भी टोपी दिया गया है, और ये शॉर्ट हैंड है, इसमें बटन लगी हुई है, क्योंकि मैंने जो कपड़े लिए हैं सब में बटन्स है, क्योंकि बटन्स वाली लेनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना दिक्कत हो जाती है ये, अगर बटन के बिना आप लोगे तो। सो ये देखिए, बटन्स भी है इसके साथ, और ये पैंट धो के रखा था, फिर मैंने पैकेट पे डाला था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो मैंने बोला था ना, मार्केट जो शॉप है बच्चों की, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन और ब्रांडेड कपड़े मिलता है वहाँ पे, सो वहाँ से हमने लिया था। ये देखिए कितना प्यारा है। सो ये सेट भी हमने रेडी रखा है, ये देखिए गाइस, और ये मिटन्स
और ये इसके साथ बीब्स भी दिया गया है और ये टोपी, ठीक है आ गया। और इधर तो हो गया आपका ये नैपीज और ये पोछने के, ये एक सेट है जो कि मैंने पहले दिखाया था। तो दिस आर द क्लोथिंग। ये मैंने कैसे रखा है मेरे कपड़े के ऊपर, इस मामले में मैं बहुत यू नो सिंसियर हूँ। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं उसके बैग में क्या है। तो ये एसेंशियल चीज़ें जो है ये भी चाहिए होगा अगर एलो करते हैं तो। देखिए यहाँ पे हिमालया के मैंने बेबी लोशन ले रखा है, फिर क्रीम ले रखा है, फिर यहाँ पे हो गया आपका पाउडर, ठीक है, और ये हो गया आपका मसाज ऑयल। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं, हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिया है ये बेबी वाइप्स जो कि छोटा वाला लिया है, और एक बड़ा ले रखा है वो हमने घर पे रखा है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं लग सकता है, 2-3 दिन में ये चल जाएगा। सो ये कुछ एसेंशियल सामान जो है तैयार कर रखा है। तो अभी इसको ज़िप कर देते हैं, तो ये कुछ एसेंशियल सामान हमने यहाँ पे ले रखा है। और यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये डायपर बैग है तो ओबियसली डायपर होना तो बहुत ज़रूरी है। डायपर हमने यहाँ पे अलग मेरे बैग में रखा है, डायपर भी हमने रेडी कर रखा है, देखिए। सो दिस इज़ द पैम्पर्स ले रखा है, तो बेबी के लिए ऑल सेट है। बाकी और क्या लेना है उसके आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया है जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो उसको मैंने तैयार करा है। अगर आप भी अगर न्यू मॉम टू बी हो तो आप लोग ये सब आइडिया ले सकते हैं। मैंने भी कुछ आइडियाज़ ले रखा है यूट्यूब से, गूगल से, तो उसी के हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें रेडी करा है, ठीक है। तो अभी जो है हम दिखाएंगे मेरा बैग। ये देखिए मेरा बैग भी रेडी है। ये जो बैग है ये हमने नया लिया है क्योंकि पुराना कोई भी चीज़ नहीं लेना है। तो देखिए कितना पसीना आ रहा है। सो ये बैग हमने नया लिया है, तो इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेबी के, वो है, लेट मी शो यू, दिस इज बेबी कैरियर। तो इसमें ये देखिए, ये हमने कहाँ से लिया था, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ सामान हमने मैक्सिमम क्लोथ्स हमने फर्स्ट क्राई से लिया और कुछ हमने अमेज़ॉन से लिया। सो देखिए इसमें जो है यहाँ पे जिप दिया गया है, ये देखिए, ताकि आप आराम से बच्चे को यहाँ पे डाल के कैरी ऐसे कर सकते हो। और इसमें जो है ऐसे करके आपका और एक जिप दिया गया है जिससे आप अपने बेबी के हेड इस साइड में रख के और बॉडी इस साइड में रख के आप आराम से ले सकते हैं, पापा ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत डिलिकेट होते हैं, फिर बच्चा पकड़ नहीं पाते पापा, तो ये जो है ना ये कॉन्वीनियंट है, ये हर कोई पकड़ सकता है, बच्चा भी पकड़ सकता है, तो इससे मतलब इजी हो जाती है बच्चा पकड़ने में, होल्ड करने में। सो दिस वन मुझे पिंक कलर पसंद आया, इसलिए मैंने पिंक कलर का लिया है। तो ये एक चीज़ है जो कि डायपर बैग में फिट नहीं हो रहा था, तो ये मेरे बैग में मैंने ले रखा है। मेरी बैग में क्या क्या है वो सब दिखाने की, सो सबसे पहले मैं अपना जो है ये दिखाऊंगी खुद पे। पता है ये क्या है, ये हमारी विष्णुप्रिया मणिपुरी के तौलिया है जो कि हम इसको बाथिंग टाइम पे यूज़ करते हैं और त्यौहार वगैरह होता है तब भी यूज़ करते हैं। सो इट्स बंगाली में गामछा बोलते हैं, तो ये हमने कैरी करा है। ये हमने इसलिए कैरी करा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, कॉटन का है, तो इसलिए ये मैंने कैरी करा है। और मैंने एक ये सॉफ्ट सा एक दुपट्टा कैरी करा है, अगर चाहिए हो तो मैं इसे लगा सकती हूँ, चाहिए हो तो मतलब किसी भी चीज़ किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब ये काम में आ सकता है, तो मैंने एक दुपट्टा मैंने ले रखा है। तो इसमें मैटरनिटी ड्रेसेस मैंने कैरी किया है, इसमें जिप दिया गया है दोनों साइड में, सो इसको मैंने कैरी करा है।
ये भी मैंने कैरी करा है, मेरी बहन ने दिया था, तो ये भी मैंने कैरी करा है, मैटरनिटी ड्रेस, मैटरनिटी मैक्सी वी कैन से। तो ये एक दो और एक है जो कि मेरी कजन्स ने उस दिन दिया था, उस दिन मुझे मिला था ये गिफ्ट, तो ये मैं जाते वक्त शायद पहन सकती हूँ। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना, मैटरनिटी कपड़े, ये सारे चीज़ें कपड़े मैंने धो रखा है, सो ये भी मैंने लिया है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इतना सॉफ्ट है, मुझे इतना पसंद आया ये वाला जो मेरी बहन ने पर्सल में भेजा था। इसमें कफ्तान मैक्सी है, दोनों तरफ से जिप दिया गया है, सो इसको भी मैं कैरी कर रही हूँ। और मैंने कैरी करा है सॉक्स, शायद लग सकता है क्योंकि लोग बोलते हैं उस टाइम पे डिलीवरी के बाद ठंड भी लग सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है, सो मैंने कैरी करा है ये सॉक्स। ये एक सेट लिया है और एक ये सेट लिया है। उसके बाद वन टाइम यूजेबल पैंटीज जो कि एक बार यूज़ करके फेंक सकते हैं। तो उसके बाद गाइज मैंने कुछ ये कलेक्शंस लिया है अंडरवेयर्स की, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मैटरनिटी पैड्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मैटरनिटी पैड्स, तो ये भी मैंने लिया है फार्मेसी से ऑर्डर करके। सो गाइज उसके बाद हमने लिया है एक शॉल टाइप का चादर, जो कि लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो नहीं भी लग सकता है, और आफ्टर पोस्टमार्टम लग भी सकता है, क्योंकि किसी किसी को ठंड लग जाती है, तो इसलिए मैंने ये एक पतला सा चादर मैंने कैरी किया है, ये सॉफ्ट है इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और एसेंशियल चीज़ें जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमने लिया है, बॉडी लोशन, फेस वॉश, मेरा क्रीम, एंड देन मेरा लिप बाम, देन सिंदूर, लिपस्टिक, ब्रश और कॉम्ब। सो दीज आर द कॉमन एसेंशियल थिंग्स जो कि हमें कैरी करना ही पड़ेगा, सो ये भी मैं रख रही हूँ। और मैं जाते वक्त स्लीपर्स डाल दूँगी, जो मैं घर पे पहनती हूँ वो वाला मैं डाल दूँगी। कैरी करेंगे मिल्टन का ये वाटर बोतल, ये हम कैरी करेंगे, इसमें हम पानी रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस जो कि मैं लेना भूल गई थी, वो है ये हेयर ऑयल, क्योंकि हेयर ऑयल लग सकते नहीं, लगेगा आई थिंक, लगेगा ज़रूर लगेगा, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। सो गाइज दीज आर द स्टाफ जो कि मैं हॉस्पिटल बैग में डाल रही हूँ। और गाइज अगर आप लोगों के लिए ये कॉन्वीनियंट हो सकता है, जो न्यू मॉम टू बी है उन लोगों के लिए भी कॉन्वीनियंट हो सकता है, मैंने भी कुछ आइडिया ले रखा है, आइडिया लेने के बाद ही मैंने ये पैकिंग किया है। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, और ताकि दूसरे मॉम टू बी को आइडियाज़ मिल सके। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं गाइस अब अगले ब्लॉग पे, पता नहीं कैसे एपिसोड लेके आती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड यस ब्लेस फॉर मी, एंड यस बाय बाय, टेक केयर।